टेक्नो गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप इस चैनल के वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सकें। स्वयं की ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर को खोलेंगे। यहाँ पर ऊपर जो सर्च बार है, यहाँ पर टाइप करेंगे स्वयं। यहाँ पर बहुत सारे स्वयं ऐप है, इनको इंस्टॉल नहीं करना है। आप देख लें, ये जो स्वयं का लोगो है और यहाँ पर लिखा हुआ है AICTE स्वयं, इसको ही आप इंस्टॉल करें। इसके अलावा ये इंस्टॉल हो रही है। इसके अलावा दूसरी ऐप्स भी हैं NIOS की, उनको आप इंस्टॉल नहीं करें, मोबाइल में सब फर्जी हैं, कोई काम की नहीं। ये इंस्टॉल हो चुकी है, अब इसको ओपन करेंगे। अपने जो स्वयं पर जो अकाउंट बना रखा है, उसी अकाउंट से इसमें साइन इन करें। यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें डालें। साइन इन पर क्लिक करें। अगर इसमें नोटिफिकेशन नहीं नज़र आए आपको, तो सबसे पहले स्वयं पोर्टल पर जाकर के 504 और 505 में एनरोल करें, फिर इस ऐप को ओपन करें, तो उसमें सब नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। तो 3 दिन पहले का ये यूनिट टेस्ट है, इसको 1 सप्ताह में कंप्लीट करना होता है। तो 3 दिन गुजर चुके हैं, अपने पास 4 दिन है इसको पूरा करने का। उससे पहले का ये 12 दिन पहले का टेस्ट है, ये अपन टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ दिस टेस्ट हैज़ एंडेड ऑन 22 फरवरी। 22 फरवरी को ये टेस्ट ख़त्म हो चुका है, इसलिए जो अभी वाला जो टेस्ट है वो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अटेम्प्ट टेस्ट, इसमें लिखा हुआ 10 प्रश्न है और 1 पॉइंट राइट आंसर का है और 0 पॉइंट रॉन्ग आंसर का है। इसमें टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं है। तो चलिए अपन अटेम्प्ट करते हैं इस टेस्ट को। अटेम्प्ट टेस्ट पर क्लिक करें। यहाँ पहला प्रश्न खुल चुका है। पहला प्रश्न, बच्चों में गणित शिक्षा के मूल उद्देश्य को चुनें। इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, परिस्थितियों का गणितीकरण। दूसरा प्रश्न है, गणितीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है बी, आपने सभी क्रियाकलापों तथा व्यवहार में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से अपने आपको गणितीय सटीकता के साथ प्रदर्शित करने की क्षमता प्राप्त करना। इसकी जो हिंदी है वो बिल्कुल घटिया है, पता नहीं पड़ता वास्तव में सही उत्तर का। तीसरा प्रश्न है, गणित में उच्च लक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाले कथन को चुनें। तो इसका उत्तर है सभी। चौथा प्रश्न है, बच्चों में आंतरिक संसाधनों को प्रदर्शित करने वाला सही विकल्प चुनें। इसका उत्तर भी है उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, विशिष्ट उद्देश्यों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, ये इसमें उपयुक्त नहीं है। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन गणित के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के रूप में सही विकल्प है। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, प्रकृत संख्याओं को 5 से विभाजन का को जांचना। सातवां प्रश्न है, गणित शिक्षा के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती इनमें से कौन सी है। इसका सही उत्तर है सी, कक्षा कक्ष में अधिक संख्या में प्रतिभावी एवं कम संख्या में उच्च मेधावी छात्रों का होना। आठवां प्रश्न है, छात्रों में गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण इनमें से कौन सा है। इसका सही उत्तर है अनुदेशों के प्रति सजगता में कमी।
नवा प्रश्न है, इनमें से कौन अधिगम के शिक्षण की समस्या है? सही उत्तर है इसका सभी। दसवा प्रश्न है, शिक्षक अपने समझ से गणित शिक्षण करते हैं ना कि विद्यार्थियों की समझ के आधार पर? इसका जो सही उत्तर है, शिक्षक को गणित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर विश्वास का अभाव। अब इस टेस्ट को 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब सबसे ऊपर जो सबमिट ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द टेस्ट? यू कैन नॉट अंडू दिस एक्शन। यानी एक बार सबमिट करने के बाद इसको फिर से कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो यस, जो इसका स्कोर रहा है 10 में से 10, यानी सारे उत्तर सही हैं। तो इस तरह आप इन प्रश्नों को जवाब दें, और आपके पास 4 दिन का समय शेष है, तो समय रहते इसको पूरा करें। धन्यवाद।